हेलो भाई, कैसे हो आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। और शाम के 7 बज चुके हैं भाई, मैथ्स की क्लास आ चुकी है। शानदार सा सेशन होने वाला है। आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है स्पीड टाइम डिस्टेंस। शाम को 7 बजे आपकी अरिथमेटिक की क्लास चलती है, उसी में मैं आपका स्वागत करता हूँ स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। स्पीड टाइम डिस्टेंस की आज पहली क्लास है, पार्ट वन लिखा हुआ है यहां पे। आज पहली क्लास है, आज हम देखेंगे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस। आवाज आ रहे हैं? वॉइस इज ऑडिबल? यस, एवरीथिंग इज फाइन, ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आज हम बेसिक बेसिक क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह के आसान आसान से सवाल जो बनते हैं, जो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके बारे में आज हम सीखने वाले। तो जितने लोग जुड़ गए हैं फटाफट वीडियो को एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए, हर जगह बता दीजिए कि क्लास आ चुकी है, जल्दी से शेयर कर दीजिए सब लोग, ठीक है। क्लास शेयर कर दीजिए, उसके बाद मैं क्लास शुरू करता हूं, ठीक है, पढ़ाना। चलिए यहां समझिए, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में कॉन्सेप्ट बता देता हूं। कॉन्सेप्ट में सिर्फ आपको इतनी सी बात याद रखनी है मेरे भाई। देखो, स्पीड बराबर जो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है सिर्फ। और ये छोटी छोटी बातें आप जानते हो, या फिर आप कहोगे स्पीड इंटू में टाइम बराबर में डिस्टेंस होता है। ये सारी बातें आप सब लोग जानते हैं। ये तो आप समझते हो कि स्पीड इनटू टाइम बराबर, चाहे टाइम बराबर आपसे पूछ दे तो आप बता देंगे डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये तीन बातें हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर आपसे डिस्टेंस पूछेगा तो स्पीड इनटू टाइम करेंगे, अगर आपसे स्पीड पूछेगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे, और टाइम पूछेगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे। ये तीन बातें आपको पता है, यानी कि अगर इसको कहें तो ये चाल है आपकी, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, यही इसका लॉजिक है। चाल, गति, जो कह लो, दूरी बटे समय, ये इसका लॉजिक होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। अब समझिए ध्यान से, आपको अगर ये इतनी बातें पता है तो समझ लो आज के आप सारे सवाल लगा लोगे, क्योंकि बहुत ही बस इतनी सी कॉन्सेप्ट आपसे पूछी जाती है। बहुत बीजी, बहुत इजी और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये। बहुत ही इजी सा चैप्टर भी होता है स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस का, इंटरेस्टिंग सा चैप्टर होता है, मजा आता है इस चैप्टर में, बात समझ में। तो मजा तो आएगा जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी। तो एक बार सभी लोग यार वॉचिंग बढ़ा दो, बहुत कम लोग देखते हैं क्लास, तो मजा नहीं आता मुझे बिल्कुल भी। तो एक बार आप लोग वॉचिंग बढ़ा दो, ज्यादा ज्यादा लोग आ जाए, फिर मैं क्लास को शुरू करूं और शानदार तरीके से मैं आपको अच्छी अच्छी चीजें बताऊं। अब इसमें चल रहा हूं मैं आपको एक और प्यारी सी चीज समझाने, उसको ध्यान से समझ लो, ठीक है ना। किसी को कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना एक बार, ठीक है। चलो यहां से समझो, आज हमें क्या सीखना है। जैसे मान लो कि चाल जो लिखा हुआ है, चाल आपने कहा कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम में मापा जाता है, तो डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो किलोमीटर होती है, और टाइम की जो होती है वो घंटा होती है, सपोज करो वैसे तो सेकंड होती है, वैसे किलोमीटर प्रति घंटा में चाल मापी जाती है, या फिर मीटर प्रति सेकंड में चाल मापी जाती है। दो इकाइयां होती हैं जो सबसे ज्यादा प्रचलित होती हैं, किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड। अब देखो, अगर किलोमीटर प्रति घंटा के में चाल मापी जाए, अगर किलोमीटर प्रति घंटा की गति में चाल मापी जाए, तो ये किसके बराबर होगी। देखो, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दी गई हो और उसको मान लो आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना हुआ, कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हुआ, तो आपको इसमें 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। किससे? 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, इस बात को जानते रहो। मतलब अगर किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दी गई है और कोई कहे कि वो मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा, तो आपको उसको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। ये 5/18 कहां से आता है? तो किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटा में 3600 सेकंड। 20 से 20 कट गया, 2 ने काट दिया 5 बार, 2 ने काट दिया 18 बार, तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड, बात समझ में ना। तो अगर किलोमीटर में दिया है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से गुणा, या फिर अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया है और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा। ये लॉजिक है जो आपको याद रखना होगा। इन लॉजिक्स को आपको अपने दिमाग में हमेशा के लिए सॉफ्टवेयर की तरफ फिट करना पड़ेगा। किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो और उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुणा कर देंगे, और मीटर प्रति सेकंड में दिया हो और किलोमीटर प्रति घंटा बदलना हो तो 18/5 से गुणा कर देंगे, बात समझ में। ये दो लॉजिक है, एक ये वाला लॉजिक है, एक ये वाला लॉजिक है। अब हमेशा बच्चे, ये तो लॉजिक आपको पता रहता है, 5/18 या 18/5, इसमें तो कोई समस्या नहीं। कंफ्यूजन कहां होती है? कंफ्यूजन वहां होती है कि कहां 5/18 लिखें और कहां 18/5 लिखें। कंफ्यूजन सिर्फ उसी बेस पे होती है।
कि कहां पे हम 5/18 लिख दें और कहां पे हम 18/5 लिख दें, वहीं पे बच्चा कंफ्यूज रहता है कि सर कब हम 5/18 और कब 18/5, इसी में बहुत मतलब भूल जाते हैं। वैसे तो ये पता है कि ऐसे करना है, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो याद रखने का तरीका भी बता देता हूं, कैसे नहीं भूलोगे। देखो ये जो मीटर प्रति सेकेंड है ना, छोटा है। मीटर प्रति सेकेंड क्या है? छोटा है। मीटर तो किलोमीटर से छोटा ही होता है ना, तो छोटा है। अगर जब आपको बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई, और छोटा नंबर 5/18 है। छोटे की तरफ जाना तो छोटे नंबर का मल्टीप्लाई। ये किलोमीटर बड़ा है, किलोमीटर बड़ा होता है, तो अगर बड़े की तरफ जाना तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई। बस यही लॉजिक याद रखना। बड़ा 18 होता है तो 18/5 से मल्टीप्लाई। जब बड़े नंबर की तरफ जाएंगे, जब बड़े की तरफ जाना है आपको तो बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई। बड़ा नंबर 18/5 है। जब छोटे की तरफ जाना है, छोटा मीटर प्रति सेकंड है, छोटे की तरफ जाना तो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई, 5/18 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब चलते हैं सवाल की तरफ। ढेर सारे सवाल हमारा इंतजार कर रहे हैं। पहला सवाल, What is the speed of, आपसे बोला है what is the speed of 90 किलोमीटर पर आर, और यहां पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इतना मीटर पर सेकंड, इतना मीटर पर सेकंड, इतना मीटर सेकंड। मतलब कि आपको ये 90 kmph की जो स्पीड है इसको आपको मीटर पर आर में चेंज करना है। 90 kmph की जो स्पीड है इसको मीटर पर आर में चेंज करना है भाई। चलो देख लेते हैं कैसे चेंज करना। बहुत ही शानदार सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं चेंज करने के लिए, समझो ध्यान से। 90 किलोमीटर पर आर है और इसको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, है ना। कैसे चेंज करेंगे? अरे भाई सो सिंपल, मैंने अभी तो बताया कि किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो किससे गुणा। अच्छा बताओ, मीटर प्रति सेकंड छोटा जानते हो आप, मीटर छोटा होता है किलोमीटर से, तो इसका मतलब छोटे नंबर से मल्टीप्लाई, मतलब कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 18 ने इसको काट दिया 5 बार में, तो 5/25 मीटर पर सेकंड इसका उत्तर बनेगा। 25 मीटर पर सेकंड इसका उत्तर बनेगा भैया, 25 मीटर पर सेकंड इसका उत्तर बनेगा। ये आ गया इसका आंसर। अगला देखो, देखो ऑप्शन में है तो 25 मीटर पर सेकंड। अगला देखो, एक कार 20 मीटर में ना, एक कार एक सेकंड में 20 मीटर जाती है। कार रन 20 मीटर इन 1 सेकंड, फाइंड हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। देखो भैया, 20 मीटर जाती है एक सेकंड में, इसका मतलब यहां से देखो टाइम दिया है, लॉजिकल समझो, लॉजिकल डिस्टेंस दिया है 20 मीटर, देन स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 20 मीटर डिवाइड बाय 1 सेकंड, तो इसी को, ये जो स्पीड है यही 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। इसी को, इस तरह से स्पीड बनती है। वैसे आप डायरेक्ट भी कह सकते थे कि 20 मीटर जा रही मतलब 20 मीटर पर सेकंड की उसकी स्पीड है, एक सेकंड में 20 मीटर जा रही है तो 20 मीटर पर सेकंड की उसकी स्पीड है, आप डायरेक्ट भी कह सकते थे। अब समझिए ध्यान से कि अब इसको आपको बताना है केएमपीएच में कितना होगा। अरे मेरे भाई, 20 मीटर पर सेकंड अगर लिखा है, केएमपीएच में बदलना है तो 20 गुणे में, केएमपीएच बड़ा नंबर होता है, किलोमीटर बड़ा होता है तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई, 18/5 से, 5 ने काट दिया 4 बार में, 18/72 केएमपीएच उत्तर आ गया। 72 kmph इसका उत्तर बन गया भैया, सी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही शानदार सी क्लास और बहुत ही छोटे छोटे सवाल हैं आज की क्लास में। 10 मीटर प्रति सेकंड की दूरी तय करती पहली क्लास है स्पीड टाइम डिस्टेंस की। पहली क्लास में तुम्हें डायरेक्ट टॉप पे नहीं पहुंचा दूंगा, है ना, धीरे धीरे सीखेंगे। एक कार 10 मीटर, देखो 10 मीटर एक सेकंड में, तो स्पीड कितनी हुई 10 मीटर पर सेकंड। उसकी चाल किलोमीटर बताना है तो 10 गुणे में, किलोमीटर बड़ा है तो 18/5 से, 5 ने काट दिया 2 बार, 18 × 36, 36 kmph आंसर बना। नेक्स्ट देखो, बस की चाल 72 kmph है, बस द्वारा 5 सेकंड में चली गई दूरी बताइए। देखो ध्यान से, अब इतना आसान सवाल आपसे पूछ दिया है, देखते हैं, कोई बात नहीं। यहां से देखो, बस की चाल है 72 kmph, आपसे पूछा है 5 सेकंड में, समय दिया है। अच्छा, सारे ऑप्शन किस में दिए हैं, मीटर में, चाल आपका kmph में दिया है, तो चाल को बदल लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो ये जो स्पीड आपका दिया हुआ है 72 मीटर प्रति सेकंड, इसको बदल, सॉरी 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इसको आप बदल लो kmph में। किस में बदल लोगे, kmph में बदल लो इसको, सॉरी मीटर प्रति सेकंड में बदल लो, तो ये जो स्पीड आ जाएगी 72 गुणे में, अच्छा मीटर छोटा है तो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई, 5/18 से, 18 ने काट दिया 4 बार में, 5 को 20 मीटर पर सेकंड इसका उत्तर आ गया, 20 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई।
कह रहा है कि 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, डिस्टेंस आपसे पूछा है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड कितनी है 20, ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड में, इनटू में 5, तो दोनों कट जाएगा, मीटर बचेगा यानी 100 मीटर चलेगी। बोल तो रहा हूं कि आज की क्लास में बहुत इजी और बहुत शानदार से सवाल है, बट लास्ट तक वेट करो, सवाल मिलेगा अभी। अच्छा अच्छा अभी परेशान मत हो भैया। अगला देखो, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 15 में पार कर लेता है। पुल की लंबाई बताओ, पुल की लंबाई के बराबर ही तो चलेगा व्यक्ति, यानी कि अच्छा बताओ 15 मिनट में पार कर रहा है, ये मीटर में आपसे पूछा है, तो इसको भी मीटर में बदल लो ना, है ना। स्पीड जो दिया है वो 5 KMPH में दिया है, यानी कि इस स्पीड को 5 को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, मीटर छोटा है तो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई, यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5×25 बटे में 18 मीटर प्रति सेकंड, है ना, ये इसकी स्पीड आ गई। आपको दिया है 15 मिनट का समय, 15 मिनट को सेकंड में बदल लो क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो ये जो समय आ जाएगा वो 15×60 आ जाएगा, ये सेकंड में आ गया आपका समय आ गया 15×60। अब यहां से आपसे पूछा है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी होगी, स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड कितनी है 25/18, टाइम कितना है 15×60, 6 से काट दिया 10 बार 6 से काट दिया 3 बार और 3 से काट दिया 5 बार, 25×125 1250 मीटर, ये पुल की डिस्टेंस आ गई भैया। बात समझ में आई, सिंपल है, एकदम सिंपल सा है, स्पीड दिया है, टाइम दिया है, आपसे डिस्टेंस पूछा है, यही सवाल है और तो कुछ है नहीं इसमें। बात समझ में आई, ये सारे के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर के होते हैं। चलो अगला देखो, अच्छा सवाल है, एक व्यक्ति 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ता है तो 1 घंटे 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। अच्छा सवाल है, यहां से देखो, अच्छा देखो सारे ऑप्शन जो दिए हैं वो किलोमीटर में दिए हैं, ये कहां से दे दिया भैया, किलोमीटर में आएगा, है ना, ये किमी होगा। सारे ऑप्शन जो दिए हैं वो किलोमीटर में दिए हैं, तो ठीक है सारे ऑप्शन किलोमीटर में दिया, अरे दूरी पूछा है ना, दूरी तो किलोमीटर में ही आएगी ना, सारे ऑप्शन किलोमीटर में दिए हैं, ये चाल जो आपको मीटर प्रति सेकंड में दी है, तो इस चाल को भी किलोमीटर में बदल लो, 3×में, किलोमीटर बड़ा है तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई 18/5 से, 18×54 54/5 KMPH में इसका स्पीड आ गया, है ना, स्पीड आ गई। और जो समय आपको दे दिया है वो 1 घंटा 40 मिनट का समय दिया है, 1 घंटा 40 मिनट, तो टाइम देखो, 1 hour तो ठीक है, 40 मिनट को भी आपको बदलना पड़ेगा हार में, तो डिवाइड बाय 60 कर देंगे तो ये हार हो जाएगा। इसने काट दिया 2 बार में, इसने काट दिया 5 बार में, 5×5 + 2 7/5, 7/5 घंटा ये समय आ गया। आपसे स्पीड डिस्टेंस पूछा, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड कितना है 54/5 गुणे में टाइम कितना है 7/5, हाँ 1 घंटा 40 मिनट। अरे यहां पे कंफ्यूजन हो गई, देखो यहां से ध्यान दो, यहां से देखो, ये समय जो है 1 घंटा + 40 मिनट दिया है, इसको बदलने में कंफ्यूजन हो गई, 1 घंटा 40 मिनट दिया है। ध्यान से देखो भैया, एकदम आसान है, कोई बात नहीं है इसमें, देखो देखो ये 1 घंटा तो ठीक है, प्लस में 40 मिनट का मतलब 40/60 हो जाएगा, है ना। अब इसको 0 से 0 काट देंगे, ये 2 बार में कटेगा या 3 बार में कटेगा, तो 3×3 = 5 बनेगा, तो 5/3 घंटा ये समय आएगा इसका, 5/3 घंटा। अब डिस्टेंस आपसे पूछा है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड कितना है, स्पीड है 54/5 और टाइम कितना है 5/3, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये भी घंटा में, तो कोई समस्या नहीं, आंसर किलोमीटर में आ जाएगा। यहां से देखो, 5 से 5 कट गया, 3 ने काट दिया 18 बार में, तो 18 किलोमीटर इसका उत्तर आ गया। बहुत सारे लोगों का आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, 18 किलोमीटर इज द राइट आंसर। पहला बात समझ में आई भैया, अच्छा सवाल है, शानदार सा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ऐसे ही सवाल हैं आज की क्लास में, अच्छे अच्छे जो आपको थोड़ा सा दिमाग खर्च करवाएंगे। एक व्यक्ति 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकंड में पार करता है तो उसकी चाल बताओ, देखो और उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। ऐसे सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम में आ रहे हैं, आप देखो SSC CHSL का, SSC CGL का जो प्री लेवल का एग्जाम है उसमें बहुत ज्यादा सवाल इससे मिलेंगे। RRB NTPC वाले जो बच्चे हैं उसको बहुत ज्यादा इस टाइप के सवाल आपको मिलेंगे, जो UPSI वाले बच्चे हैं उनको
बहुत ज्यादा इस लेवल के सवाल मिलेंगे भैया, बहुत ही शानदार सा ये लेवल है और इसमें सवाल बनना निश्चित है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, 1% 250 मीटर 75 सेंटीमीटर वाइड रोड सी क्रॉस इनटू द फाइंड हिज स्पीड इन द किलोमीटर पर आवर। ऐसा आपसे पूछा है कि भैया 250 मीटर वाली सड़क को वो 250 मीटर को वो 75 सेकंड में, ये सेकंड है, 75 सेकंड में पार कर देती है, ऐसा आपसे बोला है, तो आपको बताना है कि उसकी स्पीड कितनी है। देखो यहां से डिस्टेंस दिया है 250 मीटर और टाइम दिया है 75 सेकंड, यहां से बताओ उसकी स्पीड का रेशियो क्या आएगा, उसकी स्पीड क्या आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 250 बटे 75, ये मीटर प्रति सेकंड में आएगा, 25 से काट देंगे 10 बार, 25 से काट देंगे 3 बार, तो स्पीड कितनी आ गई, 10 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड। आपसे ये तो पूछा ही नहीं, आपसे KMPH में पूछा है, 10 बटे 3 KMPH बड़ा है तो बड़े नंबर का मल्टीप्लाई, 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई, ये KMPH में आ जाएगा। 5 ने काट दिया 2 बार में, 3 ने काट दिया 6 बार में, 6 दुनी के 12 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड आएगी। बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान है, बस आपको अपने धैर्य को कायम रखना है और सवाल को लगाना है, बात समझ में आ रही ना और एक बार वीडियो को शेयर कर देना है, ये काम कर देना है, ठीक है। जितने लोग देख रहे कम से कम लाइक तो करो। देखो मैं आपको अच्छे अच्छे सवाल कराता हूँ, टॉपिक आपका क्लियर कराता हूँ, मैथ्स मुझे पूरा पढ़ाना है ये मुझे पता है, मैथ्स आपको मैं पूरा पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो अगला देखो, एक कार 45 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से एक दूरी 6 घंटे में तय करती है, इसी दूरी को वो 5 घंटे में पूरा करने के लिए उस कार को प्रति घंटे कितने किलोमीटर की रफ्तार से चलना होगा। देखो इसमें पहले आप एक काम करो, दूरी निकाल लो, डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू में टाइम, तो डिस्टेंस बराबर, उसकी स्पीड दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इतनी उसकी रफ्तार है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 45 उसकी स्पीड आ गई। समय कितना दिया है, समय आपको दिया है 6 घंटा समय दिया है, तो 45 गुणे 6 6 24 270 किलोमीटर, 270 किलोमीटर की उसकी स्पीड आ गई, ठीक है ना, 270 किलोमीटर की स्पीड आ गई। आगे क्या बोला है, इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए उसे, उस कार को प्रति घंटे कितने किलोमीटर की चाल से चलना होगा। अब ये जो दूरी है, इसी दूरी को, यानी अब आपकी जो डिस्टेंस हो गई है, यहां समझो जो डिस्टेंस है वो आपकी 270 किलोमीटर है, इसी दूरी को 5 घंटे में पूरा करने के लिए, मतलब अब जो समय है वो आपका 5 hr का है, ठीक है, 5 घंटे में पूरा करने के लिए उस कार को प्रति घंटे कितने किलोमीटर की रफ्तार से चलना होगा, इसका मतलब आपको स्पीड बताना है, तो 270 बटे में 5, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 5 बचे 25, 5 को 20, 54 KMPH की चाल से चलना पड़ेगा, ठीक है ना, 54 KMPH। अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। देखो एक और लॉजिक लगा सकते हैं क्या, एक तो ये तरीका हो गया लगाने का जिसमें आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, दूसरा तरीका आप एक और लगा सकते हो। देखो इसी दूरी को बोला है, मतलब डिस्टेंस कॉमन है ना, डिस्टेंस d1 बराबर में d2 है, तो ये s1 इंटू t1 हो जाएगा, बराबर में ये s2 इंटू में t2 हो जाएगा। s1 कितना दिया है, तो 45 KMPH, यहां से देखो 45 गुड़े में इसका टाइम 6 घंटा, बराबर में S2 वही तो निकालना है, और टाइम इसका कितना दिया है 5 घंटे में, 5 ने काट दिया 9 बार में, 9 6 54, S2 बराबर 54 KMPH। आप इस तरह से भी इस सवाल को लगा सकते हैं, 54 KMPH इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ, या मैं सिर्फ पढ़ाते चला जा रहा हूं, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है अगला देखो, एक रेलगाड़ी 48 KMPH की गति से यात्रा करती है और पूरी यात्रा 50 मिनट में करती है, यात्रा को 40 मिनट में पूरी करने के लिए उसे किस गति से चलना पड़ेगा। अरे सेम टू सेम सवाल है, कॉपी पेस्ट सवाल है भैया, कॉपी पेस्ट है। देखो इस बार क्या बोला है, गति से चलना पड़ेगा, s1 t1, देखो डिस्टेंस तो सेम ही है, क्यों, क्योंकि यहां पे कहा है ना उसी यात्रा को 40 मिनट पूरी करने के लिए, तो s1 t1 बराबर में s2 t2, ऐसे लगा दो। अगर डिस्टेंस सेम भी ना हो तो पहले आप डिस्टेंस लगा सकते हो, जो इसके पहले वाला मेथड बताया वहां से भी कर सकते हो। अब यहां से देखो S1 कितना है, तो 48 KMPH है, तो 48 इंटू में, समय कितना है 50 मिनट है, 50 मिनट में दिया है तो उसको घंटे में बदलना पड़ेगा, तो इसका मतलब 50 बटे में 60 करना पड़ेगा, बराबर में दूसरे की स्पीड वही तो आपको पता करना है, दूसरे की स्पीड S2 पता करना है, और इसका समय दिया हुआ 40 मिनट, 40 को भी घंटे में बदलना पड़ेगा, बटे में 60 करना पड़ेगा,
अब यहाँ से देखो, जो कट रहा है उसको काट दो, 60 से 60 खत्म, ठीक है, 0 से 0 खत्म, 4 ने काट दिया 12 बार में, तो 12 बचे 60, स्पीड कितना आ गई S2, 12 बचे 60 kmph स्पीड आ गई, 60 kmph इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही है, 60 kmph इसकी स्पीड आ गई। भैया अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 3 घंटे 45 मिनट में तय करता है, यदि वह निश्चित दूरी को साइकिल द्वारा इतने के एमपीएच की चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा। सेम टू सम सवाल है, इसमें केवल समय पूछा है और वही निश्चित दूरी की बात भी किया है, यानी कि D1 बराबर में D2 है ना भैया। अब पहले वो कितने की चाल से चला है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो S1T1 बराबर में S2T2, यही लगेगा लॉजिक, ठीक है। अब यहां समझो, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 गुणे में 4 किलोमीटर, अब ये 3 घंटा 45 मिनट है तो इस समय को बदलना पड़ेगा। T1 बराबर में 3R प्लस में 45R, 35 मिनट है तो इसको बदल दीजिए, आप सबको घंटा में कर लीजिए या मिनट में कर लीजिए, जैसे मिनट में दिया तो सबको मिनट में बदल लो। 3 घंटे का मतलब कितना हो जाएगा आप बताओ, 180 प्लस में 45 कितना आ जाएगा, ये 225 मिनट, ये आपका सारा आंसर मिनट में आ गया। तो ये kmph में 225 मिनट आ रहा है, लेकिन इसको हम घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे, है ना, वो भी 60-60 कट जाएगा, उसके लिए परेशान मत हो। बराबर में, अब यहां से देखो कहां गया, S2 आपको दे दिया है 16.5 इंटू में, समय वही आपसे पूछा है, T2 आपसे पूछा है, जो कि इसको भी 60 से कर दोगे तो मिनट में आ जाएगा, T2 बटे 60 जब करोगे तो मिनट मिनट आ जाएगा, दोनों को हमने मिनट मिनट में कर लिया है, 60 से 60 खत्म, दोनों तरफ आंसर मिनट में आएगा, मतलब इसका आंसर भी मिनट में आना है। अब इसको काट दो, जिससे काट रहे हो 5 से काट दो, 5 से काट दो, 5×20 5×9=45, हाँ भैया देख लेते हैं, 5×20 5×25, अरे भैया 25 आएगा, 5×25 तो ये 5 बार में आया 45, ठीक है ना भैया। 3 से काट दो तो ये 11, 3 से काट दो तो 15, 15×60 बटे में 11, ये T2 का समय आ गया, तो T2 बराबर, और भी कुछ है क्या, अरे ये दशमलव में आएगा ना भैया, 5 से काट देंगे तो 3 दशमलव, ये 1 दशमलव, ये 1 दशमलव है, ठीक है, यानी कि 600 बटे में 11 आ जाएगा, 600 बटे में 11 आ जाएगा, 11×55 कितना बचा 5, 11×44 कितना बचा 6, 11×55 कितना बचा 5, 11×44 कितना बचा, इतना मिनट में आंसर आएगा, ये मिनट में आएगा, तो इतना मिनट लगना है, 54 दशमलव में 54 मिनट, कहाँ है 54.55 कह सकते हैं, ठीक है ना। फिर से देखो, बता रहा हूं वही कॉन्सेप्ट है, स्पीड इनटू टाइम का कॉन्सेप्ट है, जैसे अब तक लगा रहे थे उसी तरीके से भी इसको भी लगाना है, लेकिन क्या है कि डिस्टेंस इसमें कॉमन है, वही डिस्टेंस दिया है, स्पीड इसका दिया है 4, ये जो दिया है 3 घंटे 45 मिनट, ये मिनट और घंटे का मिला के दिया हुआ है, तो आपको सब 3 घंटे को मिनट बदला तो 180 मिनट और इसको भी मिनट में रखा तो 180 और 45 मिलके 225 मिनट ये समय आ गया, ठीक है ना भैया, ये 225 मिनट ये समय आ गया, तो यहाँ पे जो समय है उसको 225 मिनट बटे 60 हमने सिर्फ अपने नॉलेज के लिए किया कि आगे चल के किसी कॉन्सेप्ट में आप गलत ना कर दो, वरना बटे 60 करने की जरूरत नहीं है, दोनों तरफ 60-60 कट ही जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर इधर आपने फिर बटे 60 क्यों कर दिया, क्योंकि ये देखो ये जो दिया है ना 16.5 ये kmph में दिया है, तो इसको भी अगर इधर मिनट में रखे हो, इधर मिनट में रख के घंटे में चेंज किए हो, तो इसका भी आंसर अगर आप मिनट में चाहते हो तो इसको भी मिनट में रख के घंटे में चेंज करना पड़ेगा, अगर आप इसको इसमें रखोगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा आपका, ठीक है ना भैया। या तो इसको ये बटे 60 इधर से भी हटा दो, बटे 60 इधर से भी हटा दो, तो भी आंसर मिनट में आएगा, ठीक है। चलो आपने इस तरह से गलागारी लगाया, बाकी सिर्फ सॉल्व है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आपको आता है करने, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कार है जिसकी निश्चित दूरी 60 kmph की चाल से 210 मिनट में तय करती है, रेलगाड़ी द्वारा उसी निश्चित दूरी को तय करने में 80 kmph की चाल से कितना समय लगेगा। सेम टू सेम सवाल है भैया, ये देखो डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस 1 बराबर में डिस्टेंस 2, स्पीड 1 इंटू में टाइम 1 बराबर में स्पीड 2 इंटू में टाइम 2, ठीक है। अब यहां से समझो,
मैं आपसे बात करूं कि कार 60 kmph की चाल से चल रहा है, तो 60 kmph इसकी चाल है, इसे 210 मिनट लगता है। मत चेंज करो, इस बार दोनों को मिनट में रहने दो, इसको 210 मिनट का समय लगता है। और इसकी चाल है 80 kmph, और इसको कितना समय लगेगा, तो ये भी आंसर मिनट में ही आएगा, इस बार हम चेंज नहीं कर रहे किसी को, ठीक है। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये चार बार में, ये तीन बार में, ठीक है, ये दो बार में, और ये 105 बार में। 105 तरीका 315 बटे में दो, T2 बराबर में 315 बटे में दो, ये मिनट में आया आंसर। आपसे किस में पूछा है, सारा ऑप्शन घंटा में दिया है, घंटा में दिया है तो बटे में 60 करना पड़ेगा, तो T2 बराबर में 315 डिवाइड बाई 2 गुड़े 60 करना पड़ेगा, ठीक है भैया। 5 से आप इसको काट सकते हैं, 5 छका 30, 5 15 और 5 से काट देंगे तो 12, 12 दूनी के 24, ठीक है। फिर भी 3 से कट जाएगा, देखो 3 से कट जाएगा, तो 3 से ये कितनी बार, 3 दूनी के 6, 3 एक कम 3, और ये 8 बार में, तो 8 दूनी के 16, 2 सही कितना बचा, 5, 2 सही 5 बटे 8 घंटा इसका समय आएगा, घंटा बदल लिया, 2 सही 5 बटे 8 घंटा। बात समझ में आ रही कि नहीं, देखो फिर से बता देता हूं, ये डिस्टेंस 1 बराबर डिस्टेंस 2 दे दिया है आपको, स्पीड इनटू टाइम बराबर में स्पीड इनटू टाइम यहां करेंगे, यहां स्पीड है 60 और यहां समय है 210 मिनट, इसको भी हमने घंटा में नहीं बदला, इसको भी हमने घंटा में नहीं बदला, अगर 60-60 करोगे तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो इसका आंसर जो आएगा, चूंकि ये 210 मिनट में है तो इसका भी आंसर मिनट में ही आएगा, तो 315 बटे 2 ये मिनट में आया, लेकिन आपको सारे ऑप्शन घंटा में दिए थे, तो घंटा में दिए थे तो इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग करना पड़ेगा, और बाकी यहां से कैलकुलेशन है सिर्फ। क्या लिखा है, एक साइकिल सवार अपनी साइकिल की गति 10 किलोमीटर रखते हुए एक निश्चित दूरी 6 घंटे में तय करता है, यदि वह अपनी गति में 2 किलोमीटर की वृद्धि कर दे तो उस दूरी को कितने घंटे में तय करेगा। सेम टू सेम सवाल है, यहां से देखो, स्पीड 1 टाइम 1 बराबर में स्पीड 2 इंटू में टाइम 2, क्या बोला है, 10 किलोमीटर चाल है 6 घंटे में तय करता है, ठीक है, अपनी गति को 2 kmph की वृद्धि कर दे, पहले 10 थी 2 बढ़ा दिया तो 12 हो गई, कितने समय में करेगा, यही तो पूछा है। यहां से देखो, 6 ने काट दिया 2 बार, 2 ने काट दिया 5 बार, यानी कि T2 बराबर कितना आ गया, 5 घंटा। आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे ये पूछा है कि उस दूरी को तय करने में कितने घंटे का समय बचाएगा। अच्छा बताओ, पहले 6 घंटे में तय कर रहा था, पहले 6 घंटे में तय कर रहा था, अब 5 घंटे में तय कर रहा है, यानी कितना समय बचाएगा। पहले 6 घंटे में तय कर रहा था, अब 5 घंटे में तय कर रहा है, यानी कि अपना 1 घंटा समय बचाएगा। 1 घंटा इज द राइट आंसर फॉर दिस वन, 1 घंटा आ जाएगा इसका आंसर। बात समझ में भैया, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा ये भी एक क्वेश्चन है। एक व्यक्ति यदि 5 kmph की चाल से रफ्तार से चले तो निश्चित दूरी 3 घंटा 36 मिनट में तय कर लेता है, वही दूरी साइकिल से 24 kmph चाल से उसे कितना मिनट लगेगा। अरे सेम टू सेम सवाल है, चलो एक सवाल तुम्हारे लिए है, गिफ्ट है, कमेंट करना आंसर, इसका कमेंट करना आंसर भैया, एकदम आसान सा सवाल है, जैसा ये वाला सवाल था ना, यहां से देखो, जैसा ये वाला साल था, 4 kmph चाल से 3 मिनट 45 सेकंड में चलता है तो 16.5 वाली चाल को कितना समय में लेगा, वही वाला सवाल है, सेम टू सेम वही वाला सवाल है, 5 kmph चाल से 3 घंटा 36 मिनट लेता है तो उसी को 24 की चाल से कितना समय लगेगा, सेम टू सेम सवाल है। इसको वीडियो खत्म होने के बाद में एट दी एंड में कमेंट बॉक्स जो नीचे बना होता है, जो वीडियो बाद में, जिसमें आप बाद में कमेंट करते हैं, उसमें इस आंसर को जरूर कमेंट करिएगा सभी लोग, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 13 का अगला देखो, UPSI हेलीकॉप्टर वाला सवाल आ गया। क्या लिखा है, एक हेलीकॉप्टर 6 घंटे में 180 किलोमीटर की रफ्तार से एक निश्चित दूरी तय करता है, वह दूरी 3 से 1/3 घंटे में तय करने के लिए किस रफ्तार से यात्रा करनी होगी। देखो 6 घंटे में, अरे यार सेम टू सेम तो सवाल है, 6 घंटे में 180 किलोमीटर, यहां से देखो D1 बराबर D2 है क्योंकि वही दूरी आपसे कहा है, वही दूरी, ठीक है ना। तो यहां से बताओ, स्पीड 1 इंटू में टाइम 1 बराबर में स्पीड 2 इंटू में टाइम 2। अब यहां समझो, स्पीड 1 कितना है, 180, हेलीकॉप्टर है भैया इतना तेज तो चलेगा ही। बराबर में S2 कितना है, वही तो आपसे पूछा है, S2 आपसे पूछा है, और इसका समय दिया है ये इतना घंटा, 3 × 9 = 10/3, 10/3 घंटा का समय दिया है, ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। और तो S2 बराबर कितना आ जाएगा, 18 × 108, 108 में 3 का गुणा तो 324 kmph आंसर आएगा, ठीक है ना भैया, एकदम आसान सवाल। देखो ऐसा सवाल UPSI में भी आता है, आपको पता चल रहा होगा जो बच्चे UPSI की तैयारी कर रहे हैं कि इसी लेवल के सवाल UPSI में भी बन सकते हैं, तो इस तरह के सवाल आपको आने चाहिए, बहुत बेसिक है आज की क्लास, बहुत बेसिक है।
एक कार चालक अपनी गति को 20% बढ़ा देता है जिससे उसका समय 10% कम हो जाता है, दूरी में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का मान बताइए। अरे भाई अच्छा सवाल है, यहां से देखो ये तो परसेंटेज का सवाल है, ये तो स्पीड टाइम डिस्टेंस का है ही नहीं। यहां से बताओ स्पीड इंटू में टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस होता है। दो दिया हुआ है, स्पीड के बारे में कहा है कि 20% इंक्रीज कर रहा है और इसमें क्या कर रहे हैं टाइम जो है 10% डिक्रीज कर रहा है। अगर ऐसा है दो राशियों का गुणा है तो आप डायरेक्ट नेट परसेंटेज चेंज भी लगा सकते हो, x प्लस वाई माइनस में xy डिवाइड बाई 100, उससे भी आ जाएगा। या फिर अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 20% का मतलब 1/5 है और ये कितना है 1/10 है, ठीक है ना। आप इसको परसेंटेज लगाओ, परसेंटेज मैंने आपको पढ़ाया है, जिनको ना समझ में आओ परसेंटेज वाली क्लास जरूर देखना। डिस्टेंस वन निकालते हैं, पहले स्पीड कितनी थी 5, पहले स्पीड थी 5, पहले समय कितना था 10, पहले समय था 10। डिस्टेंस टू निकालते हैं, ठीक है ना, दूरी में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन आपसे पूछा है। डिस्टेंस टू ये बढ़ा है तो 5 से 1 बढ़ा तो कितना हो गया 6 गुणे में, ये घटा है समय घटा है, 10 से 1 कम हुआ तो कितना हो जाएगा 10 से कम हुआ तो 9 बचेगा, तो 5 दहा में 50 और ये कितना 9 × 6 = 54। बताओ जरा कितने का डिक्रीजमेंट हुआ है आपसे पूछा, इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट जो भी हुआ है। देखो इनिशियली डिस्टेंस पहले आपकी 50 थी, बाद में आपके डिस्टेंस 54 हो गई है, यानी कि यहां से क्या हुई है वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है आप बताओ, तो 50 से 4 बढ़ा है, किस से तो 50 से, तो 50 नीचे गुणे में 100, 50 ने काट दिया दो बार में, 4 दुनी के 8% का इंक्रीजमेंट है। 8% का क्या है इंक्रीजमेंट है, बहुत इजी सवाल है भैया। इस तरह का टॉपिक और इस तरह की चीजें आपको परसेंटेज में मैंने पढ़ाया है कि डिस्टेंस बराबर में स्पीड इनटू में टाइम होता है, डिस्टेंस बराबर में स्पीड इनटू में टाइम होता है, ये बात मैंने आपको समझाई है, ठीक है ना। अब यहां समझो कि d1 कितना है, तो पहले उसकी स्पीड थी जो नीचे बेस वैल्यू होता है, तो बेस वैल्यू पहले उसका 5 था, बाद में उसकी स्पीड एक बढ़ गई क्योंकि इंक्रीजमेंट है स्पीड में, तो स्पीड बाद में उसकी 6 हो गई। जो टाइम था उसको पहले मान लो 10 घंटे लग रहा था, बाद में समय 1 घंटा कम हो जाएगा तो बाद में 9 हो जाएगा। यहां से ये वाली डिस्टेंस, यहां से वाली डिस्टेंस, यहां से पहले 50 थी बाद में 54 हो गई, कितनी बड़ी है 4, किस से 50 से गुणे में 100 कर देंगे। अगला सवाल देखो, यूपीएसआई का ही क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक दूरी तक की यात्रा करने में 10 घंटे का समय लेता है, अगर वो अपनी दूरी को 20% कम कर देता है तो उतनी ही दूरी तय करने के लिए लगने वाले समय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। बहुत आसान सवाल है, यहां से देखो ये 10 घंटा देके आपको बेवकूफ बना रहा है, इसको मार दो गोली, क्या मार दो गोली मार दो उसको, बस यहां पर देखो यहां से सवाल पढ़ो। अपनी गति को 20% कम कर देता है उतनी ही दूरी तय करने के लिए, मतलब डिस्टेंस सेम है, आपको पता है स्पीड इनटू टाइम बराबर में डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट हो गया, सेम डिस्टेंस हो गया, परसेंटेज की कुछ बातें याद रखो अपने दिमाग में। तो अगर परसेंट कॉमन है या स्पीड और टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब ये वाला जो स्पीड है ये आपका 20% डिक्रीज हो रहा है, अगर ये स्पीड आपका 20% डिक्रीज हो रहा है तो टाइम में कितने का प्रतिशत परिवर्तन होगा, यही आपसे पूछा है, बस मेरे ये सवाल है। और याद करो प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर में एक्सपेंडिचर होता है, जहां पे एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट हो जाता था तो प्राइस और कंजम्पशन में कैसे रिलेशन निकालते थे। अब इसमें हम डायरेक्टली लगा सकते हैं इसका मान, 20% का मतलब होता है 1/5, ये क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो कम हो रहा है यानी कि इनिशियली यहां से देख लो जरा स्पीड का रेशियो क्या बन रहा है, कम हो रहा है यानी कि 5:4, स्पीड का रेशियो पहले 5 था बाद में 4 हो गया, तो यहां से बताओ टाइम का रेशियो क्या बनेगा, टाइम का रेशियो 4:5 हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि टाइम जो है उतनी दूरी समय करने के लिए टाइम में समय में कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी, समय आपका 4 से 5 हो रहा है, पहले 4 है बाद में, देखो क्या है 20% का मतलब 1/5, ये कमी दिखा रहा है, कमी दिखा रहा है ना मेरे भाई, तो 1/5 का मतलब कमी दिखा रहा है, कमी दिखा रहा है तो 5 इसका ओरिजिनल होगा और 1 की कमी है तो 4 इसका बाद वाला होगा, मतलब स्पीड पहले 5 थी बाद में 4 हो गई, लेकिन डिस्टेंस कांस्टेंट है, सवाल में कहा है उतनी ही दूरी को तय करने के लिए, तो इसका मतलब टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 4:5 का रेशियो हो जाएगा। अगर ये 5 और 4 है स्पीड का रेशियो तो टाइम का रेशियो 4:5 हो जाएगा, ये आपको पता है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट समझो,
ये वाला कॉन्सेप्ट। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, है ना। यानी कि इसका रेशियो अगर 5:4 है तो इसका रेशियो 4:5 होगा। यहां से बताओ कितने की कमी हो रही है, यहां से बताओ कितने की वृद्धि हो रही है, वृद्धि बता दो कितने की हो रही है। 4 से 5 गया है, किससे गया है, 4 से, तो 1/4 × 100, 4 से 5 एक की वृद्धि, 4 से इसने काट दिया, इसको 25% की वृद्धि आ रही है। तो 25% इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 वाला, बात समझ में। तो ये इसका आंसर है। मतलब ओवरऑल इस सवाल को कैसे लगाना है, जब आपको पता चल गया है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आप डायरेक्टली लगाओ ना। आप देखो 20% दिया है, 20% का मतलब 1/5, ये 4 है ये 5 है। अब जब उल्टा की बात करने लगते हैं ना, जब उल्टा की बात करें तो 4 से 5 कितना बड़ा है, 1 किससे 4 से × 100, 25% उत्तर डायरेक्टली। ये सारे तरीके परसेंटेज में मैंने आपको सिखाए हैं, जाके परसेंटेज वाली क्लास देखो तब ये ट्रिक आपको समझ में आएगी कि ये कैसे हो रहा है। पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है परसेंटेज की, जाओ देखो तब ये समझ में आएगा। बात समझ में आई। तो ये जो सवाल था ये आज का आखिरी सवाल था, इसी के साथ आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस का पहला जो क्लास थी वो यहाँ पे फिनिश हुई, जिसमें आपने बेसिक कॉन्सेप्ट और अच्छे अच्छे कुछ सवाल सीखे हैं। इसके बाद हमें और भी इसकी क्लासेस आएंगे, स्पीड टाइम डिस्टेंस के और भी क्लासेस आएंगे जिसमें अच्छे लेवल के भी सवाल कराए जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज जम के शेयर करिएगा। अगर कुछ पढ़ना है तो पूरी मैथ्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है और यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, एट द एंड में प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा, और जाओ डिस्क्रिप्शन में भी है मैथ्स की प्लेलिस्ट, जाओ अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, सब मिला जुला के आपका पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। तो मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, जिंदगी में हमेशा खुश रहिए और हमेशा मोटिवेट रहिए, बी पॉजिटिव। थैंक यू, एंजॉय, लव यू ऑल, जय हिंद।